हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं, जो आपके क्लास 6, 7, 8 तीनों की कॉमन वर्कशीट है। बच्चों, ये जर्नल वर्कशीट होती है, तो तीनों स्टूडेंट की सेम आती है। 6, 7, 8 आप लोग देख सकते हो, क्लास 6, 7 और 8 तीनों की सेम वर्कशीट है। डेट है आपकी 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर सैटरडे की आपकी ये वर्कशीट है। बच्चों, ये हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को करनी है। इसमें कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा, सर हिंदी मीडियम की सेंड कर दीजिए, ठीक है। आपको ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे के लिए कॉमन वर्कशीट दी गई है, ठीक है। टॉपिक इसमें आप सभी बच्चे लिख लेंगे, हैंड टू हैंड नोटबुक निकालेंगे, आपको लिखना है पैट्रियोटिज्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है देशभक्ति। तो आपको इसमें सब्जेक्ट लिखना है जेनरिक, वर्कशीट का नंबर लिखोगे आप 10, डेट है आपकी 16 अक्टूबर। तो देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इसलिए वो बच्चे प्राइज नहीं जीत पाते हैं, ठीक है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट को अगर डाउट है कि ये रियल नहीं है, मैं मानता हूँ काफ़ी स्टूडेंट को नहीं डाउट होता है, तो देखिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप रियल उस बच्चे से उसकी वीडियो देख सकते हो, और आप टेलीग्राम पे उस बच्चे से बात भी कर सकते हो कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, कहाँ से उन्होंने जीता है। वो मैं वीडियो स्मार्ट वॉच वाले डालूंगा जिसमें बच्चा स्मार्ट वॉच जीता था, ठीक है। अगर आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हो और बच्चों से बात करना चाहते हो, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे मैं विनर अनाउंस करता हूं, ठीक है। और रही बात पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपको सुजीत सिंह चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से लिंक पे क्लिक करके वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो व्लॉग की वीडियो डाली हुई है उसके अंदर आपके लाइव गिफ्ट दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके कुछ पार्टिसिपेट करने वाली डिटेल, बाकी मैं और इस वीडियो में बताऊंगा। तो सभी बच्चे पहले वर्कशीट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोटबुक निकालेंगे, आप लोग सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों हम लोग समझते हैं, क्योंकि देखिए गिफ्ट भी वही बच्चा जीत पाता है जो वीडियो को पूरी देखता है। जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके जाते हैं, उन बच्चों को गिफ्ट नहीं मिलता है। देखिए, इसमें दिया गया पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म हेल्प इन द बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट द पीपल लिव इन हार्मोनी विद ईच अदर। इसमें कहा जा रहा है जो देशभक्ति होती है हमेशा कब बिल्ड करती है, अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाने में हेल्प करती है। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो और उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तभी आप पैट्रियोटिज्म की कैटेगरी में आ सकते हो, तभी आप देशभक्त कहला सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बींग वॉयलेंट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहो, एक दूसरे से घृणा करते रहो, ठीक है। इसका मतलब यह है इट मीन्स शोइंग द पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड्स द नेशन। ये आपका क्या दिखाता है कि आपका पैशंस कितना है और आप कितना सेक्रीफाइस करते हो अपने नेशन को लेकर, अपने कंट्री को लेकर, ठीक है। सो केसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन ओकेजन सच एज रिपब्लिक डे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना जो आपका जो कंट्री को लेकर प्यार है वो सिर्फ आप रिपब्लिक डे पे बताओ या फिर इंडिपेंडेंट डे पे मनाओ, ठीक है। देखो, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे और गांधी जयंती, ये जरूरी नहीं है, ये एक कोई ट्रू पैट्रियोटिज्म नहीं है, ट्रू देशभक्ति नहीं है, अगर आप सिर्फ रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंट डे पे और गांधी जयंती पे सिर्फ कंट्री को लव दिखा रहे हो। आपको डेली ट्रू पैट्रियोटिज्म क्या है कि आप रेस्पेक्ट करो किसकी, एक तो कंट्री की, ठीक है, और एक शपथ लो कि आप हमेशा देश से प्यार करोगे और रेस्पेक्ट करोगे अपनी कंट्री की। इट ऑल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस, आपको सेल्फिशनेस रिमूव करनी है, और आपको करप्शन भी, खुद भी नहीं होने देना और दूसरों से भी इसके बारे में अवेयर करना है, तभी आप अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते हो, डेवलप फास्टर, और आप जल्दी से ऊपर बढ़ सकते हो। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू द वन पर्सन रेदर देन इट बिलोंग्स टू द ऑल ऑफ इट मस्ट टुगेदर टू मेक अवर नेशन बेस्ट। देखो, ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पर्सन के करने से कुछ नहीं होगा, अगर एक पर्सन सेल्फिशनेस नहीं है, करप्शन नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होगा। सभी को मिलजुल कर साथ में अगर ये सेल्फिशनेस खत्म की जाए, करप्शन खत्म की जाए, तो हम अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पैराग्राफ में ये दिया था। सेकंड में क्या दिया है, इन द पास्ट इंडिया हैज़ अ फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर्स हु फाइट फॉर द इंडियस फ्रीडम एंड देयर सेक्रीफाइस। इसमें बताया गया कि जो पास्ट में था कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है, उसमें अपना एक तरीके से योगदान दिया है, ठीक है। दे आर लीव्स हेल्प टू द कंट्री बिकम द फ्री एंड फ्लोरियस, अपनी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ठीक है, आज़ाद कराने के लिए। सम ऑफ दोज फ्रीडम्स ग्रेटेस्ट
पेट्रियोस वर्ष चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, एक ये दिए गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, भगत सिंह जी का, एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ द कंट्री एंड द ट्रू पेट्रियोस आर वर्शिप इवन। देखो इन्होंने क्या अपनी लाइफ तक खो दी है अपनी कंट्री को बचाने के लिए, उनसे देशभक्ति के लिए, ठीक है। और ये एक क्या सच्चे देशभक्ति माने जाते हैं, क्योंकि इनको देखो आज भी पूजा जाता है और दे बिकम मैटर। देखो जो आपकी कंट्री के लिए जान दे देते हैं, जिनकी कंट्री की सेवा करने में जान चली जाती है, वो आपके मैट राइस कहे जाते हैं। जो आर्मी में होते हैं अगर उनकी भी बच्चों कभी जान चली जाती है तो वो भी इसी कैटेगरी में। द सॉल ऑफ दिस ट्रू मैट्रेस आर रेस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल, वो हमेशा बच्चों अमर हो जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा अमर होते हैं, उन्हें हमेशा पूजा जाता है और हमेशा उनके जाना जाता है। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर क्या कहते हैं, कोवर्ड्स डाइज मैनी टाइम, कोवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत बार मरते हैं अपनी डेथ से पहले, पर जो वैलियंट होते हैं वो सिर्फ एक ही बार अपनी डेथ का अनुभव ले पाते हैं, ठीक है। अदर पेट्रियोट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनका भी नाम पेट्रियोट देशभक्ति में लिखा गया है, आर रेस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर्ड टूडे एज वेल बिकॉज दे फाइट फॉर देयर नेशन, उन्होंने अपने देश के लिए फाइट किया है, वर फियरलेस निडर होकर एकदम, अवर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज एंड मेक एन आइडेंटिफाइड फॉर द कंट्री। ये जो आपका देश को जो आज़ाद किया गया था वो एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया और हमारी कंट्री को एक आइडेंटिटी दी है उसने, ठीक है। रिमेम्बरिंग एंड हॉनरिंग देयर स्ट्रगल, हम इनके स्ट्रगल को हमेशा याद रखेंगे फॉर द इंडिपेंडेंस के लिए जो इन्होंने आज़ाद कराया। मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द पेट्रियोटिज्म, ये हमारे बहुत अच्छे देशभक्त रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, वो अपने स्ट्रगल की वजह से, हार्डवर्क की वजह से, देखो उनके जो स्ट्रगल था, उनका जो हार्डवर्क था, उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बच्चों आज हम लोग भी नहीं होते और इतना हम लोग को फ्रीडम भी नहीं होता, ठीक है। लिविंग इन आवर कंट्री सेफली एंड विद रेस्पेक्ट, हमें एक सेफली तरीके से और रेस्पेक्ट तरीके से कंट्री में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम मेन इसके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट में आपसे पूछा है कि पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन, ठीक है, तो पैट्रियोटिज्म का हमें क्या ऑलवेज क्या मीन नहीं होता है, ठीक है, तो आपको पता होगा फाइटिंग और बीइंग वॉयलेंट, ये आपका हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है, आप लिखोगे फाइटिंग, ठीक है, एंड बीइंग वॉयलेंट, ठीक है, ये आप हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड चलते हैं, पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग, ठीक है, एक तो पैशन आपका सेक्रीफाइस, ठीक है, टूवर्ड्स द नेशन। अब पैट्रियोटिज्म आल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है, तो आपका किसमें एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस, एक तो हमें सेल्फिशनेस को हटाना चाहिए, एंड किस चीज को, करप्शन को, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं फोर पे, फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। शेक्सपियर सेज क्या कहते हैं कि जो आपके कोवर्ड्स होते हैं वो क्या बहुत बार मरते हैं, ठीक है, अपनी डेथ से पहले, बिफोर देयर डेथ, द डैश नेवर वैलियंट नेवर, सिक्स इसमें दिया गया है, शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आर द रेस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर टू द एलवेज, ठीक है, शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सेवन दिया गया है, रिमेम्बरिंग एंड ऑनरिंग,
देयर स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। इट में दिया गया आवर फ्रीडम फाइटर्स लीस्ट मूवमेंट टू द ब्रिंग अप। Bring a change and make an identity. ठीक है, अब 9 में आपका दिया गया है कि द सोल ऑफ दिस ट्रू मैट्रिक्स, ठीक है, एंड बिकम इमोर्टल, वो हमेशा अमर हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 10। राइट द नेम ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। ठीक है, आपको 5 फ्रीडम फाइटर के नाम लिखने हैं जो पैराग्राफ में नहीं दिए, तो आप क्या लिख सकते हो, एक तो जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं दिया इसमें, ठीक है, सेकंड आपका लाल बहादुर, शास्त्री इनका नाम भी नहीं दिया था, ठीक है, आपका इसमें आ जाएगा दादा भाई, नरोजी, ठीक है, आपका इसमें तात्या टोपे आ जाएगा, उनका भी नाम नहीं है, ठीक है, एक लास्ट और लिख देंगे हम लोग बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, उनका भी काफी योगदान रहा है। तो स्टूडेंट फाइनली आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। देखिए अगर आप लोग मेन, मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूँ, सभी बच्चे देखो सुजीत सिंह चैनल पे व्लॉग की वीडियो डली हुई है नई वाली, ठीक है, जो लेटेस्ट डली है उसमें आपका गिफ्ट दिखाया हुआ, आपको कुछ नहीं करना, उस वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना है। अब मान लो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, तो बच्चे सेलेक्ट वही होगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, वीडियो को पूरी देखता है, तो वो बच्चा बच्चों डेफिनेटली विनर होगा। इसलिए आप सभी लोग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे आप क्लिक करके चैनल पे जाकर व्लॉग की वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको लाइव देखना है कि कौन बच्चा विनर हुआ था लास्ट व्लॉग में, तो मैं वीडियो आपको लोगों को दिखा देता हूँ उसके बाद, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।